सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सद्भाव से ही होती है उत्पन्न। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था पर दिया जवाब। कुछ मीडिया चैनल ने बयान को गलत कॉन्टेक्स्ट में किया पेश। मुख्यमंत्री ने समाज और हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए ब्रॉड कॉन्सेप्ट में की बात। समाज और हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस या सीधे एक्शन से पहले एक वातावरण बनाया जाता है। सुरक्षा के वातावरण बनाने के लिए सबसे पहले सामंजस्य का होना जरूरी। किसी घटना के मौके पर तनाव ना फैले, इसके लिए फोर्स लगातार करते हैं काम। अरे सुरक्षा सद्भाव दोनों बातें, सुरक्षा में सद्भाव में से ही सुरक्षा निकलती है। अगर सद्भाव नहीं हुआ और एक दूसरे के खिलाफ अगर गन तान के खड़े हो गए तो सुरक्षा, देखिए समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को एक चैलेंज रहता है। और आप ये मानिए हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है, ना आर्मी कर सकती है, ना आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है और वातावरण समाज में एक सामंजस्य सद्भाव इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए पीस कमेटीज बनी हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े इसके लिए फोर्स पूरी रखनी पड़ती है। उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया है। जो ऐसे गलत वृत्ति रख करके कोई लोग इस प्रकार का मानस बनाए बैठे उनके मन में एक भय बैठाना पड़ता है। लेकिन ये तात्कालिक विषय होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं। करंट विषय में करने के बाद आखिर में तो सामाजिक सद्भाव बना करके तभी लोगों का रहन सहन ठीक हो सकता है। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता है। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब दो करोड़ सत्तर या अस्सी लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को भी लांघेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई, अरे भाई कार्रवाई करने का जो विषय होता है वो बता के करना होता जरूरी थोड़ी होता है। ये अलग अलग हर किसी का होता है, कोई बताएगा और कोई करेगा। आप धीरे धीरे चीजें देखेंगे, आपके सामने आएंगी, कल क्या होगा। आज चीजें प्रोसेस में है, प्रोसेस हमेशा कल्प्रिट जो है, दोषी जो है, उसको सबक सिखाने के लिए जो करना होता है वो करेंगे, लेकिन हम किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।